हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आर न्यू वीडियो ऑफ जतिन टेक्निकल यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज की वीडियो में आप लोग देख सकते हो कि मैंने अमेज़ॉन से कुछ मंगवाया है। वैसे तो आपको पता चल ही गया होगा थंबनेल और टाइटल देख के, यहाँ पे मैंने ड्रोन मोटर्स मंगवाई हैं। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे इसकी पैकेजिंग कुछ इस टाइप से आई है और इसका प्राइस वगैरह सब कुछ मैं बताऊँगा। सो मोटर है, K10 मोटर मैंने मंगवाई है। सो यहाँ पे इसे ओपन करते हैं और निकालते हैं मोटर को। सो मैं जल्दी ही ड्रोन पे वीडियो चलाने वाला हूँ, तो अभी इसे निकालते हैं। सो यहाँ पे कुछ इस टाइप की यहाँ पे जो है रैपर में पैक है, जो बबल वाला रैपर होता है उसमें पैक हुई है ये। सो अभी इसे भी निकालते हैं। सो अगर आपको मेरी ये वाली वीडियो अच्छी लगी है तो भाई लाइक करिए और चैनल पे विज़िट करके ज़रूर देखिए मेरी और भी इलेक्ट्रॉनिक प्रोजेक्ट वाली वीडियोज़ को। और अगर आप लोग व्लॉग्स देखते हो, लाइफस्टाइल व्लॉग, तो मेरे लाइफस्टाइल व्लॉग चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिसका नाम है जतिन काटल व्लॉग्स। सो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है और इंस्टाग्राम पे भी जाके फॉलो कर लेना, उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। सो यहाँ पे कुछ इस टाइप का पैकेट है जिसमें कुछ लिखा हुआ है। सो यहाँ पे देख सकते हो, तो यहाँ पे जो डीलर वगैरह का नाम लिखा हुआ है। सो अभी इसे भी ओपन करते हैं। सो इसके अंदर है मोटर, और मोटर का साइज़ देख के मेरे को सही में हंसी आ गई। इतना छोटा साइज़ कैसे हो सकता है मोटर का? इससे पहले भी मैंने 4 मोटर्स मंगवाई थी ड्रोन की। सो वो वाली जो मोटर है उनके साथ प्रोपेलर नहीं आए थे, प्राइस उनका भी सेम ही था। और मेरे पास एक और पड़ी हुई है, वो थोड़ी सी बड़ी है, वो जो हेलीकॉप्टर आता है ना साथ छोटा वो। और ये देखो भाई गाइस, कितना छोटा साइज़ है और उसके साथ प्रोपेलर फ्री है, छोटा साइज़ है। और एक और मेरे पास पड़ी हुई है जो कि एक हेलीकॉप्टर की पड़ी हुई है। मैं आपको सभी मोटर दिखाऊंगा। और प्रोपेलर की जो क्वालिटी है वो ठीक ठाक है, ना ही इतनी अच्छी है ना ही इतनी बुरी है, मतलब ठीक ठाक क्वालिटी है। सो अभी जो इनके रैप को मैं हटा लेता हूँ, यहाँ पे टेप लगाई हुई है इन्होंने। यहाँ पे मैंने इनके रैप को तो हटा दिया। यहाँ पे आप देख सकते हो कि मोटर का साइज़ देखो, सबसे पहले तो आप मोटर का साइज़ देखो आप, और प्रोपेलर का साइज़ आपको दिखा देता हूँ मैं। सो मेरे अंगूठे के साइज़ जितना इसका साइज़ है। सो यहाँ पे देख सकते हो, और यहाँ पे मैं फ्लैश लाइट को ऑन कर रहा हूँ, और यहाँ पे मोटर का साइज़ देखो गाइस, नाखून के साइज़ जितना मोटर का साइज़ है। और इसकी शाफ्ट इतनी पतली है ना, अगर आप सुई जैसे इसको मान लो, इतनी पतली साइज़ है इसकी शाफ्ट की। और मोटर की क्वालिटी भी ठीक ठाक है, अच्छी क्वालिटी है। और ये नहीं मेरे पास जो मैंने पहले ड्रोन मोटर्स मंगवाई थी, सो जो मैंने अभी मंगवाई है ये है 16,000 RPM की, और ये वाली जो मैंने पहले मंगवाई थी ये 20,000 RPM की। सो और ये जो है ये मैंने पुराने हेलीकॉप्टर से निकाली, जो छोटा वाला हेलीकॉप्टर होता है ना RC हेलीकॉप्टर, वहाँ से। और वो उसकी RPM मेरे को नहीं पता। सो यहाँ पे साइज़ देखो कि इसका जो है इससे भी छोटा है, बट ये थोड़ी सी मोटी है जो मैंने अभी मंगवाई है, K10 मोटर। और बट ये जो पहले मंगवाई थी मैंने, उसका बस एक ही डिसएडवांटेज है कि अगर उसकी वायर्स टूट जाए तो वो वापस से नहीं लगती हैं। सो बस यही उनका डिसएडवांटेज है। और यहाँ पे मैं सभी में शाफ्ट मोटर का जो है फैन लगा के देख रहा हूँ, शाफ्ट में जो है थोड़ा बहुत फ़र्क होता है। सो यहाँ पे इसमें भी नहीं लगा, देखो लूज़ है इसमें भी, और इसमें तो लग ही नहीं रहा है क्योंकि जो है बट अगर हमें जो है K10 मोटर से अगर नहीं बने, मैं वैसे गया था कि मेरे को लेना था प्रोपेलर्स लेने, क्योंकि मेरे पास मोटर तो पहले पड़ी हुई थी। सो मेरे पास प्रोपेलर लेने से मैंने 4, तो वहाँ पे थे 150 के 4। इससे अच्छा मैंने देखा कि मोटर के साथ प्रोपेलर मिले 200 के, तो इनका प्राइस 200 है, तो मैंने वो ले लिए। सो मोटर के साथ जो प्रोपेलर है अभी वो भी 200 के, और जो पहले मैंने मोटर्स मंगवाई थी वो भी 200 की है, और दोनों का साइज़ लगभग सेम है, वेट भी लगभग जो है सेम ही है, वेट भी दोनों कोई फ़र्क नहीं है वेट में। ये वाली जो मोटर जो मैंने अभी मंगवाई है इसका थोड़ी सा RPM कम है एज़ कम्पेयर टू जो मैंने पहले मंगवाई थी मोटर। सो यहाँ पर जो है सभी मोटर्स को मैं एक साथ लगा देता हूँ। तो हमें मोटर्स तो लग चुकी है, और वीडियोस गाइस जो है थोड़ी सी लेट आती है क्योंकि स्कूल के वक्त जो है टाइम नहीं मिलता है, स्कूल के बाद ट्यूशन होती है, टाइम नहीं मिलता वीडियो बनाने का। तो जिस दिन मेरे को टाइम होता है मैं वीडियो बना लेता हूँ। सो ये प्रोपेलर जो है ठीक ठाक क्वालिटी के हैं,
और जल्द ही जो है मैं दो वीडियो चलाऊंगा ड्रोन के ऊपर, जिसमें कि एक मैं बताऊंगा कि वायरलेस ड्रोन और एक मैं वायर ड्रोन बनाऊंगा, और भी मज़ेदार मज़ेदार वीडियो आएंगी फ्यूचर में। तो यार चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दो। और ये वाली मोटर की आरपीएम बहुत ही हाई है एज़ कम्पेयर टू ये बाकी मोटर, और ये है भी बड़ी है इनसे, पर वेट जो है वो तो लगभग सेम ही है। सो यहाँ पे तमीज में लगा लेता हूँ उन्हें, देखो साइज देखो, और थोड़ा बहुत ना इनमें ऐसा लग रहा है कि जैसे रस्ट भी है, ऐसा लग रहा है कि थोड़ा बहुत तो रस्ट है इनमें। ये जो टेप है ना, ये जो वाइट वाइट ये टेप है, कैमरे में नहीं दिख रहा होगा बट ऐसे लग रहा है कि रस्ट है इस पे। सो यहाँ पे इस वीडियो को लाइक कर देना, अगर अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कर देना चैनल को। मिलता हूँ किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।